आज मैं कुंदन कुमार पूना फ्री क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं 10th चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। पहले क्वेश्चन पढ़ें कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस यूज इन दिस सेंटेंसेस। कहता है क्या है कि जो सारे सेंटेंसेज इसमें दिए गए हैं ये सारे में आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि आखिर प्रेजेंट टेंस में भी ये किस प्रकार का टेंस है। जैसे कि आप जानते हैं जितने सारे टेंसेज होते हैं सारे टेंसेज को चार चार भागों में बांटा जाता है। इसमें केवल अभी आपको प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स को इसके टाइप्स को बांटने हैं और उसी को लिखने हैं पहचानते हुए। कहते आई एम टायर्ड, मैं क्या हूँ तो मैं थका हुआ हूँ। इसलिए यहाँ जो मेरी समझ से ये सेंटेंस किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। द सन इज़ अ हॉट बॉल ऑफ फायर, सूरज जो होता है वो कैसा तो एक गर्म आग का गोला होता है। इसलिए मेरे समझ से सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही जाएगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में इसको माना जाएगा। तो रीना रीड्स अ बुक, रीना एक किताब पढ़ती है, इसलिए यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वर्ब भी सिंगुलर है। इस रूप में ये जो सेंटेंस है किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, यहाँ हैव आया है, ये वर्ब 3 आया है, इसलिए सेंटेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ए हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, और वी थ्री को हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। कहता है कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, कि मैं अभी जस्ट ही अभी अभी ही मैं अपना लंच फिनिश किया हूँ या फिनिश की हूँ, लड़की होगी तो की हूँ, लड़का होगा तो किया हूँ, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। दूसरे की बात बोला कि दे हैव डन अ ग्रेट जॉब,
फिर मैं 70 नंबर क्वेश्चन पे आऊँ तो भी आप देखेंगे कि आई एम डैश द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मार्गरेट थैचर, कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो मैं मार्गरेट थैचर की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ रहा हूँ। यहाँ जो रीड जो है उसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, रीडिंग, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब या V1 प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है, इसी कारण आई एम के साथ बिफोर ही लगाएंगे। सी हैज़ बीन डैश फ्रेंच फ्रॉम अ ट्यूटर फॉर ओवर 2 ईयर्स, वह लगभग कितने 2 साल से भी ज़्यादा, तो वह कितने 2 साल से भी ज़्यादा दिनों से वो एक ट्यूटर से क्या सीखती आ रही है, तो फ्रेंच सीखती आ रही है। तो यहाँ पुनः भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, इसलिए आप यहाँ लर्निंग लगाएं, किसके जगह, लर्न के जगह। द गवर्नमेंट हैज़ बीन डैश फॉल्स प्रोमिसज टू कलेक्ट वोट्स, गवर्नमेंट क्या करते आ रहे हैं, तो लगभग झूठे झूठे प्रॉमिस करते आ रहे हैं, किस चीज़ों के लिए, वोट को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पुनः फिर मेक वर्ड से मेकिंग ही लगाएं। माई फादर हैज़ बीन डैश टू गेट कंपेंसेशन फॉर सम टाइम नाउ, पुनः फिर यहाँ ट्राई है, कहते हैं मेरे पापा ने लगभग कितने कुछ समय तक, फॉर सम टाइम नाउ, कहते हैं कुछ समय तक के लिए क्या लेने की कोशिश करा, क्या पाने की कोशिश करा, तो मुआवजा। यहाँ कंपेंसेशन मतलब क्या होता है, मुआवजा, ट्राई ट्राई कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, इसलिए। तो अभी देखते हैं यहाँ मुआवजा की बात हो रही है, और इसी प्रकार से सेंटेंस में आप ट्राइंग ही लगाएं। डिस्क्राइब योर डेली मॉर्निंग रूटीन यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सी नंबर क्वेश्चन जो खुद से करने वाला है आपके लिए, जो आपकी डेली मॉर्निंग रूटीन क्या है, और आपको याद रहे कि उसमें केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस ही केवल आपको यूज़ करने हैं, इसलिए आप हमेशा दिमाग में रखें, उसी प्रकार से उसे आप इसे लिखें, क्योंकि डेली मॉर्निंग रूटीन है। अब मैं डी नंबर की चर्चा करूँ। डी नंबर क्या कहता है, कहता है कि राइट ए फॉर फैक्ट एंड एच फॉर हैबिट, कहता है क्या कि फैक्ट के लिए हम एफ लेटर लिखेंगे, हैबिट के लिए एच लेटर। वाटर बॉयल्स, पानी उबलता है, इसके लिए मुझे फैक्ट है तो एफ मैंने लिखा। सी लाइक्स टू वर्क, कि वह काम करना पसंद करती है, तो इसकी हैबिट है, इसलिए यहाँ एच मैंने लिखा। वी प्ले स्क्वेयर्स एवरी संडे, कि वह हम लोग प्रत्येक संडे को क्या खेलते हैं, स्क्वेयर से खेल होता है, ये स्क्वेयर्स हम लोग प्रत्येक संडे को खेलते हैं, यहाँ भी इसकी हैबिट है, एच लगाया। मंकी चैटर, मंकीज क्या करते हैं, तो चीची करते हैं, उसकी बोलने की आवाज़ होती है मंकीज की, तो ये मंकीज चैटर करे, तो इसका मतलब क्या है कि फैक्ट है। अमित स्लिप्स टी लेट एम, अमित कितने बजे तक सोता है, 8 AM तक सोता है, इसलिए उसकी हैबिट है। गोट्स ईट ग्रास, गोट्स क्या करती है, तो बकरी घास ही तो खाती है, ये फैक्ट है। फ्लावर्स ब्लूम, फूल खिलते ही, तो फूल खिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए, तो फैक्ट ही होगा ना, तो फैक्ट ही लगाएंगे। आई रीड एट बेड टाइम, कि मैं पढ़ता हूँ कितने बजे तक, बेड टाइम तक। तो अभी आप देखते हैं क्या कि ये भी क्या है, उसकी हैबिट है। अभी आपने देखा उसी प्रकार टेंस, जो क्लास 7 की जो गो ग्रामर की बुक है टेंसेस चैप्टर की, उसकी आज मैं अभी आपको ए बी सी एंड डी क्वेश्चन को कैसे बनाने हैं उसके बारे में आपको समझाया। अब इसके बाद वाले जो और क्वेश्चन जो बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं डालूंगा। और वीडियो आपको ये कैसा लगा इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, उसे शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। और इसके बावजूद मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं आपको समझा सकूँ, फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम अगर होता है, समझ में नहीं आता, तो पुनः मेरे चैनल पर आप कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट।